हुआ है। 11 बजे तक जो पोलिंग परसेंट आया है लगभग 25% के आसपास, कहीं कम कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर मतदान हुआ है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं, नेहा यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नेहा यादव जी का। नेहा जी, आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो कहा जा रहा है कि यादवों का गढ़ है, यादव लैंड है। सभी प्रमुख चेहरे बीते दिनों प्रचार में जान झोंकते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी ने मिशन लिया है 80 में से 80। उसमें मैनपुरी भी आता है, उसमें कन्नौज भी आता है, इटावा भी है, एटा भी है, रायबरेली अमेठी भी है, और आज सबसे बड़ा इम्तिहान यादव लैंड यानी समाजवादी पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से पहले ही बौखला गई है। उसी बौखलाहट में उन्हें लगता है कि जो तीसरा चरण है उनकी तरफ हो सकता आकर्षित हो, लेकिन ये उनका भ्रम है। तो 4 जून को बहुत दूर हो जाएगा उनसे। ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें 2 सीटें हमारे पास में है, और जितने 10 सीटों पे जो चुनाव तीसरे चरण का आज हो रहा है, जो वोटिंग, जिस तरह से वोटिंग परसेंट अभी सामने आया है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि सर्वाधिक मतदान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों पे आज संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता मतदान कर रही है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को। इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। बौखलाहट तो यहाँ तक हो गई है कि कन्नौज में कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के जातिवादी और तुष्टिकरण की राजनीति और मानसिकता रखने वाले लोग वहां उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम करते हैं। जैसे पहले पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित किया था, आज उन्हीं के कार्यकर्ता भी ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ओबीसी समाज, दलित समाज और आदिवासी, यानी कुल मिलाकर आप बीजेपी को जातिवादी कहकर घेर रहे हैं, तुष्टिकरण का आरोप आपने बीजेपी पर लगाया। समीर सिंह जी से इस पर रिएक्शन लेते हैं। समीर जी, सपा ने आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा जातिवादी तो बीजेपी ही है, और आप लोग परिवारवाद और जातिवाद को लेकर घेरते हैं विपक्षी पार्टियों को। नहीं, आस्था जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कुछ और बोल रही हैं और आचरण में कुछ और कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप तो समाजवादी पार्टी भी बचाने की बात नहीं करती हैं, आप पीडीए की बात करती थी। हम कहते थे परिवार डेवलपमेंट पार्टी, आज परिवार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, किसी गरीब को बचाने के लिए नहीं। गरीब को तो हम बचा ही रहे, गरीब को तो मोदी और योगी की योजना बचा रही है। सबसे ज़्यादा शौचालय, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, बिजली, किसानों को सम्मान, गरीबों को सम्मान, राशन, दवाई, पढ़ाई, सब हम दे रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव अपने यादव परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछड़ा और मंदिर को गंगा जल, मंदिर को गंगा जल से धोने की बात सामने आई है समीर जी, इन पर ये बार बार कहा जा रहा है हाल ही की घटना को लेकर। नहीं देखिए आस्था जी, जिस प्रकार की भाषा ये बोलते हैं, अखिलेश यादव अयोध्या को अपमानित करते थे, काशी को अपमानित करते थे, कारसेवकों पर गोली चलवाते थे समाजवादी पर, आज राम गोपाल यादव ने क्या कहा कि बकवास है, जो धर्म को गाली देना, अयोध्या को बकवास बताना, वास्तुशास्त्री कब से हो गए भाई राम गोपाल, बेकार है। इनको राम मंदिर बेकार लगता है और इनको बाबरी मस्जिद अच्छा लगता है, आतंकवादी अच्छा लगता है, जो भारत को अपमानित करता है, जो इस भारत पर एक बार नेहा जी से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप इसको जवाब दीजिएगा। नेहा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है, ये जो यादव कुंडे से एक विवादित बयान निकला है, ये जिस पर चर्चा आगे काफी दिन चलेगी, आप ये ध्यान रखिएगा। पहला आप इस पर स्टेटमेंट दीजिए और बीजेपी का, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष समझाइए। मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ जी, नेहा यादव जी, देखिए पहले तो बयानों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने की भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी और बेकार आदत बन चुकी है। कई बार ये बयानों को तोड़ते मरोड़ते हैं, आज भी इन्होंने यही काम किया। आज सुबह ही प्रोफेसर राम गोपाल जी जब वोट डाल के निकले, उन्होंने बोला है कि असली राम भक्त हम है, हमारी सुबह काम राम राम से होती है। मंदिर बेकार है, मंदिर बेकार है, उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, क्या हाल है? हम किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो सा सम्मान राम राम करते हैं। जी, मंदिर बेकार है, राम नाम कहा है, पीछे के नहीं करते। और राम हमारी आस्था है,
राम हमारे हृदय में बसते हैं, ये चलिए आप कह रही हैं राम में आस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, बस सुनवा देते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान। चर्चा में लौटेंगे, पीसीआर निकालिए, सुनवाइए एक बार जरा प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, वो राम मंदिर को लेकर क्या कहते हैं। एक ओबीसी समाज के नेतृत्व से इन्हें डर लगता है क्या? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी पीसीआर? प्रोफेसर रामगोपाल यादव का वो बयान चलाइए। मंदिर के आस्था मंदिर के वास्तु को लेकर सवाल उठाए गए हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से, और मंदिर को बेकार बताया जा रहा है। इस पर एक राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ विशेष वरिष्ठ पत्रकार जो हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, उनसे उनके ऊपर टिप्पणी ले लेते हैं। ज्ञानेश जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पहले ही अपनी बची हुई सीटों को बचाने की जुगत में लगी हुई है, प्रदर्शन और अच्छे करने की जुगत में लगी हुई है? वहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये बयान जो है, क्या लग रहा है पार्टी को और गड्ढे में गिराएगा या ऊपर उठाएगा? तो वाकई बैकफायर करता ही है। दूसरी बात, इसे कहते हैं कि बीजेपी अपनी पीच पर सभी पार्टियों को ले आई। राम मंदिर जो इशू बनाना चाहती थी, अभी दो दिन पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, तो बीजेपी बार बार मुद्दे को हटा करके अपने पीच पर लाने का जो प्रयास करती है उसमें ये विपक्ष फंस जाता है। और ये जो बयान है ना एन चुनाव के समय में, इसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, आप धर्म पर कभी भी कुछ बोलिएगा तो उसका असर पड़ता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन चुनाव में इस बार जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो चुनौती बीजेपी के पास ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपनी 8 सीट बचानी है और जो स्थितियां हैं ग्राउंड पर वो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार रोड शो कर रहे हैं, अयोध्या में रोड शो करना पड़ा, जो कि सोचिए राम मंदिर इनका एपिक सेंटर है, एक बहुत बड़ा इशू है, अयोध्या में रोड शो करना ये बताता है कि बार बार बीजेपी चाहती है बाकी सब मुद्दे गौण हो जाएं और चर्चा सिर्फ राम और धर्म पर। ठीक है।